वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी, आपको लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था, थोड़ा इंटरनेट इशू हो गया था, उसकी वजह से आपका लेक्चर जो था वो बीच में रह गया था। सो हम क्या पढ़ रहे थे, पहले हम उस चीज़ को पहले कंप्लीट करते हैं एंड देन आज के लेक्चर के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड में सबसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी किस तरीके से डिमांड को डिटरमिन करने में हेल्प करता है। उसके बाद लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की। राइट स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ना शुरू किया था, हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ओके, और इस रिलेटेड गुड्स में हमने स्टूडेंट्स कहा था कि जो गुड्स होते हैं वो कितने होते हैं, जो ये रिलेटेड गुड्स है इसमें दो गुड्स हैं। एक हमारे पास कौन से थे स्टूडेंट्स, एक हमारे पास थे सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरे हमारे पास कौन से थे, दूसरे हमारे पास थे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर आज हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स में मैंने आपको बताया था ये वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे की जगह पे कंज्यूमर क्या करता है, यूज करता है व्हेन वन बिकम्स रिलेटिवली चीपर। जिसमें मैंने आपसे कहा था कि सपोज इटली यू आर अ कंज्यूमर, इट्स नॉट अबाउट दैट यू हैव अ पर्टिकुलर प्रेफरेंस अबाउट दैट कमोडिटी, इट्स जस्ट यू आर कंज्यूमिंग दैट थिंग, दैट्स ऑल। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपसे कहा था कि जब आप एक फैक्टर पढ़ेंगे तो यू हैव टू कंसिडर ऑल अदर फैक्टर्स एज कॉन्स्टेंट। जब तक तुम बाकी फैक्टर्स को कॉन्स्टेंट नहीं मान लोगे तब तक आप स्टडी नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, ये तो हमने पूरी बात कर ली थी, तो हम जो मेन मुद्दा है यहाँ पे वो समझते हैं। हमने ये पढ़ा था कि भाई एक्स एक्सिस जो है हमारे पास वो क्वांटिटी को शो करता है और वाई एक्सिस प्राइस को। एक्स एक्सिस पे हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, हमने एक्स एक्सिस पे था क्वांटिटी ऑफ, से हम एग्जाम्पल ले रहे थे कोलगेट का, तो क्वांटिटी ऑफ कोलगेट, और हमने यहां पे लिखा था प्राइस ऑफ कोलगेट, कोलगेट का प्राइस। ठीक है, जिसमें हमने बात की कि सपोज इटली के प्राइस क्या रहेगा ओपी, तो कंज्यूमर की जो डिमांड रहेगी वो कितने यूनिट्स की रहेगी, वो रहेगी ओ एक्स यूनिट्स की। ठीक है, जिसकी वजह से उसका जो डिमांड कर्व है वो क्या बनेगा, वो बनेगा डीडी। ठीक है, फिर हमने स्टूडेंट्स ये कहा था कि भाई इसका प्राइस तो चेंज नहीं हो सकता, हम यही पढ़ रहे थे ना कि हमारे जो गुड के हम बात करेंगे उसको छोड़ के बाकी चीजें क्या रहेंगी, कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो भाई हम जो चीज पढ़ रहे हैं इस केस में, जो हमारा जो गुड है हम तो इसको कॉन्स्टेंट मान के चल रहे हैं। अब हुआ क्या, अब आप समझने की कोशिश करो स्टूडेंट्स, हमने केस लिया था कि भाई किसके साथ इसको एसोसिएट किया था, किसके साथ, पतंजलि के साथ। राइट, हमने पतंजलि के साथ इसको एसोसिएट किया, तो हमने कहा भाई दो चीजें हो सकती हैं, दो चीजें क्या हो सकती हैं, या तो पतंजलि का प्राइस बढ़ जाएगा या तो पतंजलि का प्राइस घट जाएगा, दो ही चीजें होंगी। ठीक है, या तो पतंजलि का प्राइस बढ़ जाएगा या तो पतंजलि का प्राइस कम हो जाएगा, सर दो ही चीजें हो सकती है ना, बिल्कुल सही बात है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये कहा कि अगर सर पतंजलि का प्राइस कम हो जाएगा, अगर पतंजलि का प्राइस कम हो जाएगा तो लोगों को कोलगेट क्या पड़ेगा, अब लोगों को कोलगेट पड़ेगा महंगा। अगर पतंजलि का प्राइस कम हो जाता है तो लोगों को स्टूडेंट्स क्या पड़ेगा, कोलगेट पड़ जाएगा महंगा। तो अगर कोलगेट महंगा पड़ेगा लोगों को, तो लोग क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग प्राइस पे स्टूडेंट्स कोलगेट के डिमांड को कम करके डी डैश पे ले आएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो, कि अगर आपका पतंजलि का प्राइस कम हो जाएगा तो लोगों को कोलगेट क्या पड़ेगा, लोगों को कोलगेट महंगा पड़ने लगेगा। ठीक है, तो जो लोग हैं वो कोलगेट के डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे, जिसकी वजह से इसका डिमांड कर्व डी से शिफ्ट होके क्या हो जाएगा, डी डैश, जिसकी वजह से इसकी क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी, और मान लेता हूं क्वांटिटी हो जाएगी ओ एक्स जीरो पे। सो स्टूडेंट्स, राइटवर्ड शिफ्ट हम कर चुके थे, अब हमने इस वाले शिफ्ट को क्या बोलना होता है, इस वाले शिफ्ट को हम बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, क्योंकि आप देख सकते हो आपका डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ओके, और इसे क्या बोला जाता है, इसे स्टूडेंट्स बोला जाता है डिक्रीज इन डिमांड। जैसे वो वाला केस जो था हमारे पास, उस केस को हमने क्या बोला था, उस केस को हमने बोला था इंक्रीज इन डिमांड।
उसी अकॉर्डिंगली इस केस को स्टूडेंट्स हम क्या बोलेंगे, इस केस को हम बोलेंगे आपका डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, दो चीजें उस केस को भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अगर पतंजलि का प्राइस बढ़ जाएगा स्टूडेंट, अगर पतंजलि का प्राइस बढ़ जाता है तो हमने क्या पढ़ा था कि सर अगर पतंजलि का प्राइस बढ़ गया तो अब पतंजलि जो है लोगों को महंगा पड़ेगा। तो लोग कहेंगे जब पतंजलि महंगा पड़ रहा है तो इससे बेटर तो वही है कि भाई अभी भी इसका प्राइस तो कॉन्स्टेंट है कोलगेट का, तो भाई कोलगेट ले लेते हैं, जिससे कि कोलगेट की डिमांड जो है वो बढ़ के एक्स वन पे आ गई और कोलगेट का एक नया डिमांड कर्व बन गया जो कि क्या था D1। और स्टूडेंट्स इसको हमने क्या कहा था, इसको हमने कहा था राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व या फिर इंक्रीज इन डिमांड। तो स्टूडेंट्स ये हमने बात करी थी लास्ट लेक्चर में, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात तो हमें समझ में आ गई। आज हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं किसकी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के। ठीक है, होपफुली आपने इसे कॉपी कर लिया होगा। ओके, आई एम गेटिंग रिड ऑफ दिस। अब स्टूडेंट्स हम देखो बात करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो देख लेते हैं जरा कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो हमारे पास वो क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स लाइक योर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ऐसा होता है ना, कई कई बार जाते हैं किसी के घर में पास होते हैं तो कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री में ड्रिंक दे रहे हैं आपको। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब इकोनॉमिक्स के सेंस में क्या होता है, वो चीजें जो एक दूसरे को कंप्लीट करेंगी स्टूडेंट्स, वो चीजें वो गुड्स जो एक दूसरे को मिल करके क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे, उससे हम क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब अगर तुम्हें एक वांट को सेटिस्फाई करना है तो दोनों को एक साथ ही यूज करना पड़ेगा, तब तक तुम अपनी वांट को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। जैसे स्टूडेंट्स ये दिस मार्कर, ये मार्कर जो मेरे पास है, ये मार्कर और इसमें डलने वाली इंक क्या हो गए कॉम्प्लीमेंट्री। मैं ये कितने भी मार्कर ले आऊं, 5, 6, 8, 10 ले आऊं, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें डलने वाली इंक नहीं लेके आऊंगा तो ये मार्कर मेरे लिए यूजलेस हो गया, ये मेरा मार्कर किसी भी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि यार मैं चलाऊंगा कैसे इसको, इसको यूज कैसे करूंगा। इसको यूज करने के लिए इसके प्रॉपर मैनर में मुझे क्या चाहिए, मुझे इसको यूज करने के लिए चाहिए मुझे इसके अंदर इंक। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसी हिसाब से स्टूडेंट्स आप समझो प्ले स्टेशन और उसकी डीवीडीज, ठीक है, प्ले स्टेशन और जो उसकी गेम्स हम बाय करते हैं, जो हम सीडीज की बाय करते हैं, वो क्या हो गए, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि आप प्ले स्टेशन ले लो, ठीक है, प्ले स्टेशन 5 ले आओ 50,000 रुपए का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई क्या करोगे उसका, सीडी चाहिए ना, बिना गेम के सीडी के तो किसी काम का नहीं है वो। ठीक है, प्ले स्टेशन आपके लिए एक डब्बा रह जाएगा, कब, जब आपके पास कोई गेम खेलने के लिए सीडी नहीं है। तो प्ले स्टेशन और आपका क्या हो गया, आपका सीडी जो भी गेम की है। इसके अलावा स्टूडेंट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ये भी क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि देखो आपके पास कितने ही बेस्ट सॉफ्टवेयर्स क्यों ना हो, लेकिन वो सॉफ्टवेयर्स रन किसको करते हैं, वो सॉफ्टवेयर्स रन करते हैं आपके हार्डवेयर को। सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर का काम होता है हार्डवेयर को ऑपरेट करवाना, हार्डवेयर का काम होता है सॉफ्टवेयर से कमांड लेना। तो मतलब ये दोनों भी क्या हो गए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के बिना काम नहीं करेंगे। सपोज इटली मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए अपना फोन यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है, वो सॉफ्टवेयर हो गया, जो चीज ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा है वो सॉफ्टवेयर हो गया, लेकिन इस पूरे चीज को जो कैप्चर कर रहा है वो है कैमरा, वो एक हार्डवेयर हो गया। तो सॉफ्टवेयर ने हार्डवेयर को विच इज कैमरा उसको कमांड दी कि भाई तेरे को ऑपरेट होना है। तो ये दोनों एक साथ ही यूज होंगे, अगर मेरे पास सिर्फ दुनिया का सबसे बेस्ट कैमरा भी आ जाए लेकिन अगर इसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए किसी काम का नहीं है, चाहे वो लेंस कितना ही अच्छा क्यों ना हो, चाहे कितनी अच्छी क्वालिटी का कैमरा क्यों ना हो। तो स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हो गए बेसिकली, फिर मतलब हम कह सकते हैं कि सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब हो गए वो गुड्स जो एक दूसरे के साथ ही यूज किए जाएंगे एक वांट को पूरा करने के लिए। तो हमने क्या कहा, इट रेफर्स टू दोस गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। भाई अगर एक पर्टिकुलर वांट को पूरा करना है, अगर एक पर्टिकुलर वांट को पूरा करना है तो दोनों को साथ में ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, अलग अलग इस्तेमाल करोगे मीनिंगलेस है, यूटिलिटी मिल ही नहीं सकती। ठीक है, सो उन्हें हम क्या कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं पहले, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर,
ठीक है। इसके अलावा मैंने आपसे क्या कहा, इसके अलावा मैंने आपसे कहा प्ले स्टेशन, ठीक है, एंड गेम की सीरीज। इसके अलावा स्टूडेंट आप क्या बोल सकते हैं, मोबाइल फोन एंड सिम। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गए, ये हो गए कॉम्प्लीमेंट्री। और एक बहुत टिपिकल बुक एग्जांपल, वो गरीबों वाला इंक एंड पेन, वो तो जमाने से चला आ रहा है, इंक एंड पेन, इंक एंड मार्कर, ठीक है। थोड़ा अपडेट कर लेते हैं अपने एग्जांपल्स को भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि भैया कोरोना के टाइम में यही सब चीज़ें हैं जो काम दे रही हैं, यही सब चीज़ें साथ दे रही है। सो स्टूडेंट्स ये तो हो गए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो जैसे ये तो जैसे एक एग्जाम्पल हो गया, एक जनरल नेम हो गया, अब इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट जानते हैं स्टूडेंट्स। एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंटली समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ऑफ्टनली क्या होता है, बुक्स में क्या लिखा होता है स्टूडेंट्स, ऑफ्टनली बुक्स में लिखा होता है कार एंड पेट्रोल, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑफ्टनली बुक्स में क्या लिखा होता है, कार एंड पेट्रोल। ये बहुत ज्यादा एक कॉमन एग्जाम्पल है जो आपको बुक्स में देखने को मिलेगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो स्टूडेंट्स ऑफकोर्स ये कॉम्प्लीमेंट्री है, बट ये कंप्लीट तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। क्यों स्टूडेंट्स, अगर मैं आज के वर्ल्ड की बात करता हूँ, सो आज के वर्ल्ड में मेरी कार बिना पेट्रोल के जो है स्टूडेंट्स वो किससे चल सकती है, आप बहुत अच्छे इंटेलिजेंट लोग हो, मुझसे तो ज्यादा ही होगे शायद से, डीजल से चला सकते हो आप अपनी गाड़ी को। इसके अलावा आप जानते हो कि आपकी गाड़ी सीएनजी से भी ऑपरेट हो सकती है। सो मतलब इसका मतलब ये है कि कार एंड पेट्रोल आज के युग में सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बचे, ठीक है। तो इसलिए आपने याद रखना, कार एंड पेट्रोल एक तो इस वजह से भी यूज नहीं करना, एक तो इस वजह से यूज नहीं करना, लेकिन स्टूडेंट्स इसके पीछे एक और वजह है। एक और वजह क्या है वो मैं बताता हूँ, इकोनॉमिक एग्जैक्ट रीजन, ठीक है। एक तो आपके पास कार के जैसे भाई सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ऑप्शन ही नहीं है भाई, कोई और ऑप्शन दिख रहा है, कार के साथ पेट्रोल के अलावा चीजें चल रही हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में हार्डवेयर के अलावा सॉफ्टवेयर किसी भी काम का नहीं है, सॉफ्टवेयर रन कहाँ करेगा भाई। आपकी हार्ड डिस्क करप्ट हो जाती है, हार्ड डिस्क में 1 TB का स्पेस है, बहुत बढ़िया, लेकिन वो 1 TB की हार्ड डिस्क किसी काम की नहीं रहती, जब उसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए कहते हैं हार्ड डिस्क करप्ट होगी अब काम नहीं करेगी, है ना। उसका सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक था लेकिन आपने उसको गिरा दिया, वो टूट गया, हार्डवेयर टूट गया, गई वो चीज। तो स्टूडेंट्स ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, जो कम्प्लीटली एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कार पेट्रोल के केस को हम आज की डेट में इसके ले सकते हैं, आज की जनरेशन एडवांस हो चुकी है, अब तो हम इलेक्ट्रिक कार्स तक भी पहुंच चुके हैं। तो सिर्फ पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट नहीं करता हमारी कार को, एक तो ये बात हो गई स्टूडेंट। इसके बाद जैसे हमने टॉपिक पढ़ा था आपको याद है, मैंने आपको ये समझाया था कि भाई सब्स्टिट्यूट गुड के केस में क्या होता है। सब्स्टिट्यूट गुड के केस में मैंने क्या कहा था आपसे, आप मार्केट जाते हो, आप पतंजलि का लेके आते हो या फिर आप कोलगेट लेके आते हो, मैटर नहीं करता। 15 रुपए का एग्जांपल दिया था मैंने आपसे कि दोनों 15 के हैं, आप कह रहे हो चल रही गाड़ी चलने दो, जब तक कोलगेट ले रहा हूँ मैं कोलगेट ही लेता रहूंगा, क्या फर्क पड़ रहा है पतंजलि से। मैंने क्या कहा था भाई, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस या बाकी कोई भी फैक्टर क्या है, कॉन्स्टेंट है ना, ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा था कि एक दिन आप सडनली शॉप पे पहुंचे, जैसे ही आप शॉप पे पहुंचे शॉपकीपर से आपने बोला कि भैया एक काम करो कोलगेट दे दो, और उसको 20 का नोट दिया, उसने इन रिटर्न आपको सिर्फ 3 रुपए किए, यू आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी ₹5, क्योंकि आपके हिसाब से कोलगेट कितने का था, 15 रुपए का था, लेकिन वापस कितने आए, वापस आए सिर्फ आपके पास 3 रुपए। तो आफ्टर इंक्वायरी आपको पता चला कि उसके प्राइस बढ़ गए, 17 रुपए हो गए। तो आपने पूछा पतंजलि, उसने कहा पतंजलि तो अभी भी भाई 15 का है, तो आपने कहा एक काम करो कोलगेट रख लो मुझे पतंजलि दे दो, प्रश्न तो करना है। मैंने कहा ना सुरन, प्रेफरेंसेस या कोई भी फैक्टर यहाँ पे बीच में नहीं आएगा, सिर्फ एक आपका गुड और उसका सब्स्टिट्यूट गुड, बाकी सब कॉन्स्टेंट। तो ये हुआ, इसका मतलब हमने ये पढ़ा था कि सब्स्टिट्यूट गुड के केस में क्या है, इसका अगर रिजल्ट देखूं तो इसका रिजल्ट क्या था कि अगर प्राइस मान लो यहाँ पे ले रहा हूँ एक्स, एक्स का मतलब कोई भी गुड, अगर प्राइस एक्स का बढ़ रहा है तो जो डिमांड है वो वाई की बढ़ रही है। ये हमने देखा था सब्स्टिट्यूट रूट के केस में। इकोनॉमिक इंपैक्ट तो ऐसे ही जानेंगे ना भाई, दुनिया जानती है सब्स्टिट्यूट रूट क्या होते हैं, एक दूसरे की जगह पे यूज हो जाए, लेकिन कब, जब एक दूसरे से सस्ता मिलेगा। तो मतलब ऐसा ही कुछ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी इकोनॉमिक इंपैक्ट होना चाहिए, प्राइस और डिमांड की बात कर रहे हैं। तो अब उस इंपैक्ट की बात करते हैं सूरज, वो इंपैक्ट क्या होता है, वो इंपैक्ट ये होता है इफ प्राइस ऑफ वन इंक्रीजेस, अगर एक का प्राइस बढ़ जाएगा, इफ प्राइस ऑफ वन इंक्रीजेस देन डिमांड फॉर दी अदर। अब आप सोच के देखो, मैं आपसे एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल, टिपिकल बुक एग्जांपल लेता हूं स्टूडेंट्स। ये मार्कर है, इस मार्कर में इंक डाली जाती है, अगर उस इंक के प्राइस बढ़ जाएंगे, उस इंक के प्राइस बढ़ जाएंगे तो इस मार्कर को कंज्यूम करने का जो रेट है, जिस रेट पे ये मार्केट में बाय किया जाता है, वो ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। सोच के देखो,
इस मार्कर में डलने वाली इंक अगर महंगी हो जाती है स्टूडेंट्स, तो जल्दी से मुझे आंसर करके बताओ अगर इसका प्राइस बढ़ जाएगा। जल्दी से मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, अगर इसका प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग, सॉरी इंक का प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग इसको ज्यादा खरीदना पसंद करेंगे, कम ऑफ कोर्स क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कम खरीदेंगे। सो इफ प्राइस ऑफ वन इंक्रीजेस देन डिमांड फॉर द अदर डिक्रीजेस। अगर एक का प्राइस बढ़ जाएगा तो इस केस में दूसरे की डिमांड बढ़ जाए, घट जाएगी, क्योंकि भाई वो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। दोनों कंप्लीट कर रहे हैं ना, जैसे कि एग्जांपल लो, प्लेस्टेशन 50,000 का लॉन्च हुआ भाई, सीडीज आपको पता चल रहा है कि भाई एक एक सीडी आज की डेट में 12-13 हज़ार की आ रही है। आप सोचोगे पहले यार मैं 40-45 हज़ार रुपये के हिसाब से प्लेस्टेशन खरीदूँ, फिर 12-13 हज़ार रुपये के हिसाब से सीडी खरीदूँ, और ये एक गेम अगर एक बार कंप्लीट तो वो सीडी बर्बाद। ओके नहीं यार, अब तो पैसा वेस्ट हो रहा है, अब नहीं खरीदूंगा। तो दैट इज द आइडिया स्टूडेंट्स के कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में क्या रिजल्टिंग फैक्टर आया। कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में रिजल्टिंग फैक्टर ये आया कि अगर एक्स का प्राइस बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, वो डिमांड जो है वाई की वो क्या कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, सो दैट इज द आइडिया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या पता चलता है कि एक के प्राइस के बढ़ने से दूसरे की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या करो, अब यहाँ पे आप अपना कार वाला एग्जाम्पल सेट करके देखते हैं। अगर स्टूडेंट्स मैं आपके लिए यहाँ पे कार वाला एग्जाम्पल सेट करूँ, तो हमने क्या बोला कि भाई कार और पेट्रोल सब्सिट्यूट है स्टूडेंट्स, कार और पेट्रोल सब्सिट्यूट है। ठीक है, तो मतलब ये कहना चाहते हो आप कि प्राइस अगर पेट्रोल का बढ़ जाएगा तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। भाई इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसी बात को एनालाइज कर सकता है कि अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। स्टूडेंट्स अब एक बार थोड़ा सोच के देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, पेट्रोल है कितने का है, 70 का, 75 का मान लो, चलो 75 पर लीटर पेट्रोल मिल रहा है हमें। ठीक है, वो कितना हो गया, वो 75 से बढ़ करके 76 या 77 का हो गया। एक बार में भाई 2 रुपये से ज़्यादा क्या ही बढ़ जाएगा, तो 76-77 का हो गया। तो स्टूडेंट्स इफ योर पेरेंट्स और इफ यू गाइज आर प्लानिंग टू परचेज अ कार जो कि मिनिमम यार 5-6 लाख रुपए की तो होगी, तो मतलब 2 रुपए बढ़ने के चलते क्या आप अपनी कार के डिमांड ही कम कर दोगे? आप कहोगे यार नहीं यार गाड़ी नहीं खरीदूंगा। आपने दोस्तों ने पूछा तू गाड़ी खरीदा क्या हुआ, तो कहे यार नहीं खरीदूंगा। उसने पूछा क्यों नहीं खरीदेगा, तो कहे यार पेट्रोल 2 रुपए महंगा हो गया कौन सा लगा। अरे भाई तू 6 लाख की गाड़ी खरीद रहा है और तू 2 रुपए के पेट्रोल के राइस की बात कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको सुनने में थोड़ा एब्जर्ड सा नहीं लगता कि कोई भी कंज्यूमर कैसा, ऐसा कौन सा कंज्यूमर होगा जो ये कहेगा कि 2 रुपए प्राइस बढ़ गया तो इससे मैं कार बाय नहीं करूंगा। स्टूडेंट्स कार तो जिस रेट पे बाय की जा रही थी की ही जाएंगी, या तो बिल्कुल ही लीचर हो गया तो एक अलग ही बात है कि 2 रुपए पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो वो कार खरीदेगा ही नहीं। जिसको कार खरीदनी थी वो कार खरीदेगा, ये हो सकता है कि कार चलाना कम कर लेगा, कार चलाना कम हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा कि जिसको खरीदनी थी वो डिमांड ही कम कर देगा। सो दैट इज द आइडिया स्टूडेंट्स। इसलिए हम ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट ढंग से नहीं बैठता है, तो इसलिए कार एंड पेट्रोल को आपको कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे नहीं लिख करके आना है। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से मोबाइल फोन एंड सिम कार्ड। ठीक है, मोबाइल फोन एंड सिम कार्ड हैज नथिंग टू डू विद द मतलब इकोनॉमिक इम्पैक्ट, क्यों नहीं है, क्योंकि आप सोचो सिम कार्ड आजकल कितने के आ रहे हैं, 300 के 400 के। भाई अगर सिम कार्ड महंगा होगा, सिम कार्ड महंगा होने का मतलब क्या है, अगर आपके रेट महंगे हो जाएंगे तो आप कॉल रेट कम कर दोगे, मतलब जो कॉल करने की जो आपकी वो फ्रीक्वेंसी होगी आप उससे कम करोगे। मोबाइल जिसको खरीदना है वो मोबाइल खरीदेगा ही। आज आप खुद सोच के देखो कितनी बार ऐसा होता है कि आप ये सोचते हो कि अच्छा अब तो जियो ने अदर कॉल के ऊपर मिनट्स लगा दी, नहीं नहीं भैया मैं आईफोन नहीं खरीदूंगा कॉल महंगी हो गई है। कोई नहीं सोचता स्टूडेंट्स, कोई भी नहीं सोचता। तो हमें जब हम एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड की बात करते हैं तो भाई कॉम्प्लीमेंट्री एग्जांपल तो हम दे देंगे, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में एग्जांपल देते हुए हमें जनरल नहीं, हमें इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव देखना है स्टूडेंट। तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्री का ये है कि एक के प्राइस इंक्रीज होने पे दूसरे के डिमांड का डिक्रीज होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि एक का प्राइस इंक्रीज हो गया और दूसरे की डिमांड डिक्रीज ही नहीं हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही जनरली क्या होता है कि हम बोलते हैं एसी और इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स अगर इलेक्ट्रिसिटी रेट बढ़ जाएगा, मतलब पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का रेट बढ़ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, आप एसी की जो कंजम्पशन है वो कम करेंगे। मतलब अगर मान लो एक यूनिट आपको पहले 5 रुपए की पड़ती थी, एग्जांपल लो, और आप सोचते थे कि 2 घंटे एसी चलाऊंगा अपना रात भर ठंडा हो जाएगा बढ़िया सो जाऊंगा जस्ट इन केस,
अब अगर वो 5 रुपए से कम होकर के 2.5 रुपए या 3 रुपए हो गई है, आपको यार बढ़िया है, पहले 2 घंटे चला रहा था 10 रुपए आ रहे थे, अब अगर मैं 2 घंटे चलाऊंगा 3 रुपए है तो कितने आएंगे, सिर्फ 6 रुपए आएंगे, तो इससे बेटर 3 घंटे चला लेता हूँ, अभी भी 1 रुपए की सेविंग हो रही है, दैट इज द आइडिया। ये नहीं कि एसी लोग नहीं खरीदेंगे, एसी जिसको खरीदना था वो खरीदेगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ जाते हैं तो जिस रेट पे वो यूज कर रहे थे, नंबर ऑफ ड्यूरेशन, नंबर ऑफ आवर्स जिसमें एसी वर्किंग था, वो आवर्स क्या हो जाएंगे, वो आवर्स कम हो जाएंगे या तो वो आवर्स ज्यादा हो जाएंगे। सो दैट इज द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब जरा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब जरा इसका भी ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ क्या कहता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस, कोई भी एग्जांपल आप लेके देख सकते हैं, प्ले स्टेशन सीडी ले लेते हैं। तो मान लो मैं आपसे क्या कहता हूं, मैं आपसे कहता हूं यहां पे प्ले स्टेशन की डिमांड कि कितनी यूनिट खरीदी जा रही है, और मैं इस एक्सिस पे लेके क्या चल रहा हूं, रेट ऑफ सीरीज। रेट ऑफ सीरीज का मतलब स्टूडेंट्स क्या हो गया, प्राइस ऑफ सीरीज। ओके ठीक है, हमने कहा इनिशियली सर प्राइस था ओपी और उसकी डिमांड कितनी थी कंज्यूमर की, कंज्यूमर की डिमांड थी ox। सर प्राइस कितना था, प्राइस था ओपी, डिमांड कितनी थी ox थी। ठीक है, तो डिमांड कर्व इनिशियल क्या था, इनिशियल डिमांड कर्व था सर dd। ठीक है ओके, यहां पे बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स रेट ऑफ सीरीज की। रेट ऑफ सीरीज, ओ सॉरी, यहां पे लेंगे रेट ऑफ प्ले स्टेशन, प्ले स्टेशन का ही प्राइस देंगे ना, दूसरे का वो क्यों ले, रेट ऑफ प्ले स्टेशन, प्ले स्टेशन का रेट या फिर प्लेस्टेशन का प्राइस। तो ये उसके डिमांड थे। अब जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है रेट ऑफ सीरीज, सीरीज का रेट चेंज हो रहा है। या तो स्टूडेंट्स क्या होगा, या तो सीरीज का रेट बढ़ जाएगा, है ना, या तो जो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगा, या तो हमारे पास सीरीज का रेट कम हो जाएगा। तो में से एक ही बात हो सकती है, या तो जो सीडीज मिल रही थी आपको वो भैया 10,000 से सीधा कम होकर 4-5,000 रुपए की मिलने लग गई, या फिर वो 10,000 से और महंगी होकर 15-16,000 की और लगे, बात समझ में आती है। अब स्टूडेंट्स खुद सोच के देखो कि सर अगर सीडीज महंगी हो जाएंगी तो सीडीज महंगी हो जाने का मतलब है प्लेस्टेशन खेलना बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लेस्टेशन के अंदर एक सीडी एक ही काम में आती है, एक ही गेम खेल के बाय बाय। तो कोई भी कहेगा कि भाई प्राइस बढ़ रहा है सीडीज का, तो भैया प्लेस्टेशन कम कर दो, इससे बढ़िया है कि लैपटॉप में गेम डालो, क्रैक डालो और भैया मुफ्त में जो मर्जी गेम खेल सकते हो मैक्सिमम लेवल पे वो खेल लो। ठीक है, तो क्या हुआ, 2-3 गेम कम खेलनी पड़ी तो पैसा तो बच रहा है हजारों में। तो मतलब अगर मेरे पास सीडी का रेट बढ़ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, अगर सीडी का रेट बढ़ जाएगा तो मैं प्लेस्टेशन की डिमांड कम कर दूंगा, मतलब देयर विल बी अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पे मेरा डिमांड जो है लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। Means, इस केस को मैं क्या मान सकता हूँ, इस केस को मैं मान सकता हूँ डिक्रीज इन डिमांड, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि प्राइस सीडीज के बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डिमांड जो है वो डिक्रीज होके कहाँ पहुंच गई, से डिमांड डिक्रीज होके पहुंच गई ओ एक्स जीरो पे। समझ में आता है, बिल्कुल समझ में आता है। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं सीडीज का रेट कम हो गया, मतलब भाई कोई ऑफर निकला भैया के, भैया ऐसा है कि क्रिसमस ऑफर आ गया, क्या भाई क्रिसमस ऑफर आ गया, कहा कि भैया रेट जो सीरीज के वो कम हो जाएंगे। ठीक है, सीरीज के रेट कम हो जाएंगे, प्ले स्टेशन का रेट कहीं कम नहीं हो, प्ले स्टेशन का रेट अभी भी वही है। मैंने कहा ना आपके अदर गुड का इम्पैक्ट हमें देखना है, तो हम अदर गुड के इम्पैक्ट की बात करेंगे, उसका प्राइस तो हम पहले ही कॉन्स्टेंट मान चुके हैं, क्योंकि प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी तो हमने सबसे पहले पढ़ लिया। आप प्राइस को कॉन्स्टेंट करो और अदर फैक्टर्स को देखना शुरू करो। तो मतलब जैसे हमने सब्स्टिट्यूट गुड के केस में क्या कहा था स्टूडेंट्स, कीपिंग अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में भी हम क्या कहेंगे, कीपिंग अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट। ये बात मैं बार बार बोलता हूँ स्टूडेंट्स, जब आप दो वेरिएबल की स्टडी करते हो तो बाकी फैक्टर कॉन्स्टेंट रखने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आप स्टडी नहीं कर सकते। वन टू वन स्टडी करने के लिए अदर फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। तो भाई प्राइस जब सस्ते हो जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, प्राइस सस्ते होंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि अगर प्राइस सस्ते होंगे सीडीज के तो क्या करोगे आप, ऑफकोर्स डिमांड बढ़ा दोगे। तो इस केस में आपका डिमांड डी1 पे आ जाएगा, मेरा जो डिमांड कर्व है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा,
डिमांड कर्व डी वन पे आ जाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने कर्व बनाया तो आपने कर्व बनाया है, स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज आते हैं कि सर आपका कर्व बन रहा था वहाँ स्ट्रेट लाइन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो तो मैं बस बना रहा हूँ, ऐसी जगह ऐसी मेरे पास ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ मेरा डिमांड कर्व क्या हो गया, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। तो इसे मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, इससे आई कैन राइट राइट वर्ड शिफ्ट, राइट। इसे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, राइट वर्ड शिफ्ट। और जो ये राइट वर्ड शिफ्ट है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है इंक्रीज इन डिमांड। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि भाई मेरी जो डिमांड है वो क्या हो गई है, इंक्रीज कर गई है। तो मतलब स्टूडेंट्स, अगर मैंने जो अभी तक दो अपने डिटरमिनेंट्स पढ़ लिए, ठीक है, उन दो डिटरमिनेंट्स की मैं बात करता हूँ, तो उससे मुझे ये समझ में आता है कि जो प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी था उसकी वजह से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, मतलब अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही थी। और जो मेरे पास प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है उस केस में जो मेरा डिमांड कर्व है, चाहे मैं सब्स्टिट्यूट की बात करूं या चाहे मैं कॉम्प्लीमेंट्री की बात करूं, सब्स्टिट्यूट की बात करूं चाहे मैं कॉम्प्लीमेंट्री की बात करूं, उस केस में मेरा डिमांड कर्व क्या हो रहा है, या तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है या तो राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट हो गया किसका, हमारे डिमांड का। कौन से डिमांड का, इंडिविजुअल डिमांड का। स्टूडेंट्स पहले जल्दी से इसे कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, होपफुली आपने कॉपी कर लिया होगा, आई एम गेटिंग रेड ऑफ दिस। अब स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिटरमिनेंट। अब बात करते हैं हमारे अगले डिटरमिनेंट की, कि जो हमारा अगला डिटरमिनेंट है वो क्या है। तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट, जब आप मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में जाने के बाद हो सकता है कि आप इतना कैलकुलेशन नहीं करते, ठीक है, जितनी मैंने बता दी, बट लेकिन हर किसी इंसान के दिमाग में ये चीजें तो चल रही होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आप जो खरीदने गए एक बार में खरीद के आ गए। देयर आर सेवरल कैलकुलेशन दैट होवर्स अराउंड योर माइंड कि भाई जो मैं खरीद रहा हूँ वो मेरी बेस्ट परचेज है या नहीं है। वो बेस्ट परचेज करने के लिए आप डेफिनेटली, अगर आप डेकन का एसी लेने गए तो हो सकता है डेकन की जगह हिताची का एसी आपको कंपेटिवली सस्ते रेट पे मिल रहा था, तो डेकन की जगह हिताची ले आए। फिर उसके बाद आप ये भी देखते हो कि भाई वो 3 स्टार है या 2 स्टार है, क्योंकि अगर 2 स्टार होगा तो रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कम लेगा वो। तो ये सब चीज़ें देखने सोचने के बाद ही कंज्यूमर चीज़ों को खरीदता है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं हमारे अगले डिटरमिनेंट की, जो डिमांड को डिटरमिन करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड दैट इज स्टूडेंट्स इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ऑफ कोर्स स्टूडेंट, इसके बिना तो आप डिमांड की आप सोच ही नहीं सकते, इनकम के बिना तो आप डिमांड की सोच ही नहीं सकते। प्राइस तो चलो अभी जो हमने दोनों फैक्टर पढ़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन भाई आप हमेशा डिमांड करते हो अपनी इनकम के हिसाब से। ठीक है, जब आपके पास जो इनकम लेवल होगा आप उसके अकॉर्डिंग ही डिमांड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, सिंस 2007 मुझे ऑडी बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, एंड इट्स 2020 ऑलमोस्ट 2020 इट्स गोइंग टू बी 2021, ठीक है, इन जस्ट फ्यू डेज। लेकिन अभी तक मैं ऑडी नहीं खरीद पाया, इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग मैं डिमांड नहीं कर पाया, क्योंकि इकोनॉमिक कहता है कि भाई तेरे बेवकात नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि तेरे पास अभी उतनी इनकम नहीं है। तो मतलब कंज्यूमर जब भी कोई चीज़ खरीदेगा वो अपनी इनकम को देख करके समझ करके ही खरीदेगा, क्योंकि बिना इनकम के आप कोई चीज़ कैसे खरीद सकते हो स्टूडेंट। तो इनकम तो सबसे देखो, जब आप मार्केट में जाते हो प्राइस तो ज़रूर पूछते हो, लेकिन स्टूडेंट्स एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मान लेता हूँ कि अभी आपके पास लिवाइस की या फिर वेन हुसैन का या फिर लुई फिलिप का इनका अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो डेफिनेट सी बात है आपको पता है कि आपके पास उतनी इनकम नहीं है कि आप इन शोरूम में जाओ, तो आप कभी शोरूम में जाओगे भी नहीं। आप कभी किसी ऐसे शोरूम में जाते हो, किसी ऐसे शॉप वाले के पास जाते हो जिससे आप एक रेगुलर परचेजेस करते हो, जिसके आपको पता है कि इसके रेट ठीक है और मेरे लिए रीजनेबल है, वहाँ आप जाते हो। ठीक है, वहाँ जाने के बाद भी वो आपको बहुत सारे गुड्स दिखाता है जिनमें से आप पूछते हो कि हाँ भाई ये कितने का है, ये कितने का है। तो मतलब कंज्यूमर डिमांड करने से पहले अपनी इनकम को भी ज़रूर देखता है कि जो वो डिमांड कर रहा है, वेदर वो चीज़ जो वो डिमांड करने जा रहा है वो उसकी इनकम के बिल्कुल ही बाहर तो नहीं है। तो वो पहले अपनी इनकम को देखेगा, उसके बाद ही सोचेगा वो डिमांड करने की। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो गया, नेक्स्ट पॉइंट इसीलिए हमारे पास हो गया इनकम ऑफ द कंज्यूमर। स्टूडेंट जैसे कि बाकी फैक्टर्स आपने किए, ठीक है, हमने क्या कहा, एक फैक्टर पढ़ूंगा तो सिर्फ उसको पढ़ूंगा, बाकी कुछ नहीं पढ़ूंगा। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर में भी हमने क्या कह दिया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर में भी हमने कहा, पहली बात तो यही लिख लो भाई, कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अलग जितने भी बाकी फैक्टर्स हैं, कीपिंग अदर फैक्टर्स
कॉन्स्टेंट, जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो प्राइस हो, फिर चाहे वो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो, फिर जैसे कि मैं बार बार आपसे एक वर्ड बोल रहा हूँ, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, मतलब वो भी डिटर्मिनेंट है, तो वो भी आप क्या मानोगे, कॉन्स्टेंट। तो कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट रख दूंगा तो इनकम क्या बताता है, तो मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट के माइंड में स्ट्राइक करता है जो आंसर, वो ये करता है कि सर इनकम और डिमांड आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। इट्स सिंपल कि अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरी डिमांड बढ़ेगी, बहुत सिंपल है, सोचने में समझने में भी लगता है हाँ भाई सही बात है, अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरी डिमांड भी क्या करेगी, मेरी डिमांड भी बढ़ेगी, यही है। तो मतलब मैं एक अगर आपके जो स्टेटमेंट है वो रुक देता हूँ, कि जो बहुत कॉमन स्टेटमेंट जो सोची जाती है, दैट इफ इनकम इंक्रीजेस, कि अगर इनकम इंक्रीज होगी देन डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस, कि अगर सर इनकम बढ़ेगी, ठीक है, अगर इनकम बढ़ेगी तो मेरी डिमांड भी बढ़ेगी, इफ इनकम इंक्रीजेस देन डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है, एंड इफ इनकम डिक्रीजेस देन डिमांड ऑल्सो डिक्रीजेस। बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है ये, बहुत कॉमनली ऑफ्टन, मैंने कहा ना एक लेमैन की बात भी ऑल्वेज इकोनॉमिक्स के बारे में होती है, हमने कहा ना हमें पता नहीं है, बट जो हम रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट वो इकोनॉमिक्स ही होती है, बट जब आप इसको पढ़ते हो तो आपको चीज़ों को थोड़ा फॉर्मलाइज वे में पता चल जाती है चीज़ें, बाकी ऐसी कुछ चीज़ नहीं है जो आपने पढ़ी नहीं है, अप्लाई नहीं करी हुई। तो एक बहुत ऑफ्टन आंसर जो कॉमन आंसर आता है वो ये आता है कि सर अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू में समझने के लिए और एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू में समझाने के लिए ये स्टेटमेंट काफ़ी है, ठीक है, दैट इनकम इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द डिमांड, ठीक है। तो भाई इनकम और डिमांड क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप में। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात जनरल पॉइंट ऑफ व्यू की नहीं कर रहे, यहाँ पे आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, तो क्योंकि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आपको हर एक फैक्टर का इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट भी पता होना चाहिए। तो ये एक लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू में बिल्कुल ट्रू होती है, लेकिन इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट ये कहता है कि नहीं। हाउएवर इकोनॉमिक स्टेटमेंट क्या कहती है, इकोनॉमिक स्टेटमेंट कहती है हाउएवर दिस विल नॉट बी ट्रू इन ऑल केसेस, ये चीज, लेकिन ये चीज हर केस में ट्रू नहीं होगी, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कमोडिटी। वो कह रहे हैं कि भाई ये जो है बात, ये क्या है, ये हर केस में ट्रू नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा कि किसी कमोडिटी का नेचर क्या है। मतलब ये क्या हो गया सर, ये क्या बोल रहे हो आप? देखो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स में जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में जो कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, हम उस कमोडिटी के नेचर को जानना सबसे पहले पसंद करते हैं, ठीक है। मतलब एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने कहा ना, एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में इनकम बढ़ना मतलब डिमांड बढ़ना, इकोनॉमिक्स कहता नहीं, इकोनॉमिक्स कहता है इनकम बढ़ने पर डिमांड जरूर बढ़ेगी, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीज़ें जो तुम्हें सोचनी पड़ेगी, और जो चीज़ सोचनी पड़ेगी वो सोचना पड़ेगा तुम्हारी कमोडिटी का नेचर क्या है, मतलब जो गुड तुम कंज्यूम करने जा रहे हो उसका नेचर क्या है। तो इसका मतलब क्या है सुनिंग, इसके अकॉर्डिंगली इकोनॉमिक्स ने क्या किया है, इकोनॉमिक्स ने इसके अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग गुड्स को तीन पार्ट में क्लासीफाई कर रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स ने कमोडिटी के नेचर के हिसाब से कमोडिटी को तीन पार्ट में क्लासीफाई किया। तो स्टूडेंट्स जो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास वो है नेसेसरी गुड्स, ठीक है। सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, सबसे पहला पार्ट है नेसेसरी गुड्स, ठीक है। फिर हमारे पास इकोनॉमिक्स में बी पार्ट आता है जिसका, जिसे हम बोलते हैं इनफीरियर गुड्स, ठीक है। और फिर सी पार्ट हमारे पास आता है स्टूडेंट जिसे हम कहते हैं नॉर्मल गुड्स। तो मतलब इकोनॉमिक्स में हम जब पढ़ाई करते हैं, हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, तो जो गुड्स हैं, जो कमोडिटीज हैं हमारी, वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। एक होगी स्टूडेंट नेसेसरी गुड्स, दूसरी हमारे पास होगी इन्फीरियर गुड्स, और तीसरी हमारे पास होगी नॉर्मल गुड्स। अब स्टूडेंट ये होती क्या है, आप जो भी गुड यूज कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे वो इन तीन पार्ट में डिवाइडेड है।
आपने तो जस्ट एक बात बोल दी, सर इनकम बढ़ेगी मैं डिमांड बढ़ा दूंगा, लेकिन आपने सोचा भी नहीं कि भाई जब तुम डिमांड बढ़ाने की बात कर रहे हो तो तुम किसी भी गुड की डिमांड बढ़ाने की बात कर रहे हो, जबकि जो तुम गुड यूज कर रहे हो वो तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है। तुम हर गुड की डिमांड नहीं बढ़ा देते इनकम के बढ़ने पर, मतलब क्या है समझना। देखो सूरज, कुछ चीजें मेरे लिए नेसेसरी होती है, जो मेरी इनकम कम भी रहेगी ना तो भी मुझे चाहिए, इनकम ज्यादा रहेगी तब भी मैं उस चीज को उतनी ही यूनिट में कंज्यूम करूंगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हो, फॉर एग्जांपल कि कोई एक पर्सन है जो डायबिटिक है, अगर वो पर्सन डायबिटिक है तो उनको आपको पता है कि उनकी एक रेगुलर बेसिस पे इंसुलिन के इंजेक्शन और जो अलग अलग दवाइयां हैं वो चलेंगी चलेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि ना अगर उस इनकम की, उस पर्सन की इनकम बढ़ जाएगी तो वो कहेगा चलो दो चार दवाइयां एक्स्ट्रा खा लूं या चार इंजेक्शन ठोक लेता हूं, ऐसा तो नहीं होगा। या इनकम कम हो जाएगी तो बंदा इंजेक्शन कम कर देगा, ठीक है। तो मतलब वो चीज नेसेसरी है उसके लिए, उसको उसको एक सर्टेन अमाउंट में कंज्यूम करना है, तो इनकम बढ़ेगी तो भी वो उसी यूनिट को बाय करेगा, अगर इनकम कम भी हो जाएगी तो भी वो उसी यूनिट को बाय करेगा। इट्स लाइक जिस आपके पास, मान लो मैं आपसे कहता हूँ भाई इनकम कम होने का मतलब बिल्कुल गरीब होना मत मान लेना, क्योंकि कई बार स्टूडेंट को लगता है यार सर वो गरीब हो गया, भाई ये तो एक्सट्रीम केस क्यों जा रहा है कि एकदम ही गरीब क्यों हो जाएगा। इनकम कम होगी भाई, हो सकता है कि छोटी मोटी इनकम कम होगी, फिर आप सोचोगे सर नहीं बताओ कोविड के अंदर क्या हुआ, भाई कोविड एक्सट्रीम सिचुएशंस में ही माना गया है, कोविड को एक्सट्रीम सिचुएशन में ही माना गया है, कोविड कोई नॉर्मल रूटीन का कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं आई जो कि चलो आई और चली गई, नहीं ये वो बीमारी नहीं है, ये एक एकदम से ऑल ऑफ अ सडन जो था ये पूरे वर्ल्ड को एक सरप्राइज मिला है नेचर का, तो इसलिए ऐसे सिचुएशंस को हम पढ़ते भी नहीं। तो इनकम कम हुई, हो सकता है कि आपकी जो इनकम थी वो 1,00,000 रुपये थी, आप बिजनेस में अर्न कर रहे थे 1,00,000 रुपये, अभी कुछ टाइम से काम कम चल रहा है तो 80,000 अर्न कर रहे होंगे, लेकिन हम स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जैसे आपकी जो कंजम्पशन है वो चार रोटी की है, तो भाई इनकम जो मर्जी हो जाए कंज्यूम तो चार रोटी करोगे ना, ऐसा तो नहीं है ना कि इनकम के बढ़ने पे आप छह रोटी खा लोगे, इनकम का बढ़ना भूख नहीं बढ़ा सकता और ना इनकम का कम होना आपकी भूख को कम कर सकता है। अब फिर मत बोलना सर टेंशन हो रही है, टेंशन के मारे भूख नहीं लगी, तो ये सब बातें नहीं, बकवास की नहीं करनी। तो नेसेसरी गुड्स, तो नेसेसरी गुड्स स्टूडेंट्स कौन से हो गए, नेसेसरी गुड्स वो हो गए जो एक सर्टेन अमाउंट में कंज्यूम किए जाएंगे। तो अगर स्टूडेंट्स मैं इनका ग्राफ बनाऊं तो ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, ठीक है, ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस, यहाँ पे वही मैंने लिया कि भाई यूनिट जो भी मैं ले रहा हूँ क्वांटिटी, ठीक है, ऑफ जो भी गुड्स है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं शो कर रहा हूँ मान लो मेरी इनकम को। अभी स्टूडेंट ध्यान रखना, आपने नोटिस नहीं किया तो मैं नोटिस करवा देता हूँ, मैंने इस एक्सिस पे इनकम लिया, अभी तक मैं क्या लेके चल रहा था प्राइस को, अभी हम प्राइस का भी इम्पैक्ट देखेंगे, पहले इनकम का देख रहे थे कि इनकम के रिस्पेक्ट में क्या होता है ना, पहले इनकम के रिस्पेक्ट में देखते हैं फिर देखेंगे प्राइस के रिस्पेक्ट में कैसे होगा, क्योंकि प्राइस तो चेंज होना ही नहीं है, प्राइस तो चेंज होना ही नहीं है। तो स्टूडेंट समझने की कोशिश करना ये गुड्स कैसे बनेंगे। मान लो तुम इनिशियली बिल्कुल बहुत बिलो लेवल पे हो, ठीक है, तुम्हारी इनकम जो इनिशियली है वो बहुत कम है, ठीक है, तो तुम इतनी क्वांटिटी ले पा रहे हो, मतलब एक ही रोटी खा पा रहे हो, आपकी इनकम, इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट इनकम को वाई से नोट करते हैं, आपकी इनकम बढ़ गई, अब आपने क्या कहा तीन रोटी खाना शुरू कर दिया, मान लो कंजम्पशन चार की थी, आपकी इनकम फिर बढ़ गई, आपने कहा हाँ यार अब तो मैं ठीक ठाक रोटियां खा रहा हूँ जितनी मुझे खानी है, अब इनकम स्टूडेंट फिर बढ़ गई, अब इनकम फिर बढ़ गई। तो स्टूडेंट्स ये देखो, ये आपका ग्राफ आएगा नेसेसरी गुड्स का इन केस ऑफ इनकम, क्योंकि एक सर्टेन लेवल तक इनकम के बाद, एक सर्टेन लेवल की कंजम्पशन के बाद अगर आपकी इनकम जितनी मर्जी बढ़ जाए आप कंजम्पशन नहीं बढ़ाओगे, क्योंकि आपको जिस सर्टेन अमाउंट में चाहिए था वो अमाउंट आपने क्या कर लिया, कंज्यूम करना शुरू कर दिया। अब अगर आपकी इनकम बढ़ती भी चली जाए तो आप ऐसा नहीं करोगे कि इनकम बढ़ गई चलो आज छः रोटी खाऊंगा, आज आठ खाऊंगा, आज दस खाऊंगा, नहीं, ठीक है, इनकम बढ़ती चली जाएगी, एक सर्टेन कंजम्पशन के बाद कंज्यूमर स्टॉप कर देगा, क्योंकि उसको लगेगा जितना मुझे कंज्यूम करना था मैंने कर लिया है, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट नेसेसरी गुड का केस। अब बात करते हैं कि सर इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होगा, सर इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होगा वो तो बात की बात है, पहले ये बताओ इंफीरियर गुड्स है क्या। स्टूडेंट्स इंफीरियर गुड्स का मतलब हो गया वो कोई भी गुड जो आज आपके पास है, जो आज आपके पास है, अगर मैं बेसिक से भाषा में बोलूं तो वो आपके लिए इन्फीरियर है कल जब आपकी इनकम बढ़ चुकी होगी। तो जैसे एग्जांपल लो, मान लो मैंने ये लुई फिलिप की शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, अब अगर मेरी इनकम और बढ़ जाती है, ठीक है, मेरी इनकम और बढ़ जाती है तो अगली बार हो सकता है कि मैं इस ब्रांड को ना खरीद करके इससे जो ऊपर का ब्रांड, इससे भी जो लग्जरी ब्रांड होगा उसके ऊपर टारगेट करूं कि नहीं यार लुई फिलिप तो कॉमन हो गया अब इससे भी ऊपर जाते हैं। स्टूडेंट दैट विल बी, दैट इज द केस ऑफ इंफीरियर गुड जो आज आपके पास है
यू आर नॉट गोइंग टू बाय दैट अगेन, आप उस चीज को दोबारा नहीं खरीदने वाले हो, ठीक है। आप चाहोगे इस बार मैं उससे भी कुछ अच्छा खरीदूं, तो उससे भी कुछ अच्छा खरीदने का मतलब जो आज आपके पास है वो आपको क्या लग रहा है, इन्फीरियर। स्टूडेंट वैसे तो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग इन्फीरियर का मतलब, इंग्लिश के अकॉर्डिंग इन्फीरियर का मतलब क्या है, लो क्वालिटी। बट यहाँ पे हम इंग्लिश की बात नहीं करें, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में इंफीरियर का मतलब क्या है, मैं इसको समझाने के लिए लिख रहा हूं, इसको मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, कंपैरेटिवली लोअर क्वालिटी। स्टूडेंट्स मैंने यहां पे देखो क्या लिखा है, कंपैरेटिव वर्ड का यूज किया सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि इंफीरियर पढ़ते बच्चों को लगता है लो क्वालिटी, नहीं ये कंपैरेटिवली लो क्वालिटी है, ये कंपैरेटिवली लो क्वालिटी आपकी इनकम के कंपैरेटिवली, मतलब सेम टाइम जब आपके लिए वो चीज लो क्वालिटी की है तो किसी और के लिए वो क्या हो सकती है, वो एक लग्जरी भी हो सकती है। एग्जाम्पल देता हूँ स्टूडेंट, देखो फॉर्च्यूनर गाड़ी है, आप सबको होपफुली पता ही होगा फॉर्च्यूनर बहुत अच्छी गाड़ी है और एक बहुत लग्जरी कार है, ठीक है। सो हमारे अकॉर्डिंग तो भाई लग्जरी कार है, हमारे पास नहीं है और हम चाहते हैं कि भाई कभी फ्यूचर में हमारे पास भी ऐसी गाड़ी आ जाए, तो लग्जरी कार है, ठीक है, तो क्या वो इन्फीरियर है? आपको सर क्या बात कर रहे हो, कहाँ से इन्फीरियर है, इतनी बढ़िया गाड़ी है वो, चलो आपकी बात मैं एग्री करता हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स ये सोचो मिस्टर अंबानी, ठीक है, या फिर मिस्टर अदानी या फिर मिस्टर मित्तल, इनके अकॉर्डिंग जो वो गाड़ी होगी क्या वो गाड़ी इन्फीरियर होगी? बिल्कुल होगी भाई, ये तो ऑडी जैगवार बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियों में घूमने वाले हैं। मिस्टर अंबानी के पास 7 करोड़ की गाड़ी है भाई, 7 करोड़ की कार है उनके पास, तो उनके हिसाब से 45 लाख की गाड़ी तो कुछ भी नहीं है ना। तो दैट इज द आइडिया स्टूडेंट्स, राइट। सो दैट इज द आइडिया कि जो चीज आपके पास है, ठीक है, वो आपके लिए इन्फीरियर है, बट हो सकता है वो किसी और के लिए क्या हो, वो किसी और के लिए एक उसका ड्रीम हो सकता है क्योंकि वो उसके पास नहीं है। तो इसीलिए स्टूडेंट इन्फीरियर को बिल्कुल इन्फीरियर नहीं मानना, इन्फीरियर मतलब कंपैरेटिवली लोअर क्वालिटी, और वो कंपैरिजन किससे है, वो कंपैरिजन इनकम लेवल से है कि अलग अलग इनकम लेवल पे मुझे चीजें अलग अलग लेवल पे क्या दिखाई देंगी, इन्फीरियर, ठीक है। तो मान लो मैंने किसी भी गुड की बात कर ली स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई भी गुड लेता हूँ, तो यहाँ पे ले लिया मैंने क्वान्टिटी उस गुड की, ठीक है, और यहाँ पे क्या लेता हूँ, यहाँ पे मैं वही अगेन मैंने इनकम की बात करी तो इनकम ही लेते हैं। तो मान लो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी इनकम है ओवा है, इसीलिए स्टूडेंट मैं यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कोई गुड का बात नहीं कर रहा, किसी स्पेसिफिक गुड का नेम नहीं ले रहा क्योंकि कोई स्पेसिफिक गुड नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपको फिर भी समझना है, फिर भी आपको समझना है, तो आप समझो टोन मिल्क और फुल क्रीम मिल्क, ठीक है, इनकम कम होगी तो इंसान टोन मिल्क को कंज्यूम करेगा, ठीक है, लेकिन जब इनकम बढ़ जाएगी तो वो सोचेगा भाई फुल क्रीम दूध लूंगा, बढ़िया रहेगा मेरे लिए, है ना। सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट देखो हो सकता है कोई इंसान होगा जो वो टोन मिल्क भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा होगा, ठीक है, वो क्या कर रहा होगा, वो फिर किसी तरीके से लोकल जो बायर्स होते हैं उनसे, सेलर्स होते हैं उनसे बाय कर रहा होगा, ठीक है। तो मान लो ओ वाई इनकम थी, ओ एक्स क्वान्टिटी आप ले रहे थे, अगर स्टूडेंट्स आपकी इनकम बढ़ जाएगी, मान लो आपकी इनकम बढ़ करके, ठीक है, मान लो आपकी इनकम बढ़ करके क्या हो गई, ओ वाई वन हो गई भाई, इनकम बढ़ेगी तो आप कहोगे लो क्वालिटी का गुड मैं क्या करूंगा भाई, लो क्वालिटी का गुड तो मैं कम खरीदूंगा, लो क्वालिटी क्यों खरीदूं भाई, मेरी इनकम बढ़ गई है तो इनकम बढ़ गई है तो लो क्वालिटी कम खरीदूंगा, ठीक है। लेकिन अगर स्टूडेंट्स आपकी इनकम कम हो गई, ठीक है, अगर आपकी स्टूडेंट्स इनकम कम हो गई तो इनकम कम होने पर आपके पास ऑप्शन नहीं होगा बट टू बाय दीज इन्फीरियर गुड्स ओनली, आपको यही इन्फीरियर गुड्स को कंज्यूम करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। सो मतलब इसका डिमांड कर्व कैसा है, एज यूजुअल डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है। बट स्टूडेंट्स अगेन एक चीज जो आपको नोट करनी है वो क्या, कि मैंने जो ये डिमांड कर्व बनाया है अगेन कौन से केस में बनाया है, ये भी मैंने इनकम एक्सेस पे लिया है, अभी हम प्राइस के रिस्पेक्ट में देखेंगे। अब बात कर लेते हैं सर नॉर्मल गुड्स क्या होते हैं। नॉर्मल गुड्स का मतलब हो गया स्टूडेंट्स वो गुड्स जो बेसिकली क्या फॉर्म करते हैं, एक तरीके से जो आप कह सकते हो समझने के लिए लग्जरी, मतलब व्हाट यू एस्पायर टू, बेसिकली जो आप चाहते हो उसे हम कह देते हैं नॉर्मल गुड्स, जो आप खरीदना चाहते हो उसे हम क्या कह देते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम कह देते हैं आपके नॉर्मल गुड्स। मतलब जैसे आपसे मैंने क्या कहा, जैसे आपसे मैंने ये कहा कि आपके पास ऑलरेडी क्या है, आपके पास ऑलरेडी फॉर्च्यूनर है, बट आप सोच रहे हो कि भाई इस बार इनकम बढ़ेगी तो बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज या ऑडी लेके आऊंगा, तो वो जो ऑडी है आपके पास, जो आपकी इनकम के बढ़ने के बाद आप डिमांड बढ़ाने वाले हो, उससे आप क्या मानोगे, लग्जरी गुड मानोगे स्टूडेंट्स या क्या मान लोगे, नॉर्मल गुड्स। सो स्टूडेंट दैट इज द आइडिया, ओके, दैट इज द होल आइडिया। ये ओ एक्स हो गया, ये हमारे पास ओ वाई हो गया, यहाँ पे फिर हमारे पास इनकम आ गई और यहाँ पे फिर हमारे पास क्वान्टिटी आ गया। मान लो आपकी ये इनकम है, आप ये डिमांड कर रहे हो, ठीक है, ए ए आपकी इनकम बढ़ गई, ओ बी हो गई और ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका बढ़ जाएगा, फिर आपकी इनकम फिर बढ़ गई तो
तो आपकी डिमांड फिर से बढ़ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये केस हो जाएगा आपका किसका, ये केस हो जाएगा आपका लग्जरी गुड्स का। तो मतलब स्टूडेंट्स जब हमारे पास इनकम के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आएगा तो हमें बहुत सोच के अपने क्वेश्चन का आंसर करना है कि इनकम के रिस्पेक्ट में अगर क्वेश्चन आता है तो सर वो इंफीरियर गुड का आता है या सर वो नॉर्मल गुड का आता है या वो नेसेसरी गुड्स का आता है। क्वेश्चन में जरूर मेंशन होगा स्टूडेंट, जरूर मेंशन होगा जब भी इनकम लिखा होगा तो नेसेसरी, इंफीरियर या फिर नॉर्मल गुड्स। अगर मान लो क्वेश्चन बड़ा है, 6 मार्क्स में दे रखा है और 6 मार्क्स में सिर्फ इनकम बढ़ने का पूछा हुआ है, सो मतलब आपसे जो एग्जामिनर है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप तीनों को बनाए, क्योंकि 6 मार्क्स के हिसाब से है तो 2 मार्क्स 2 मार्क्स 2 मार्क्स। ये चीज आपने याद रखनी है कि इनकम के रिस्पेक्ट में एकदम डायरेक्टली नहीं बोल देना कि इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ जाएगी, नहीं, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी या नहीं डिपेंड करेगा नेसेसरी गुड्स की बात कर रहे हैं आप, इंफीरियर गुड्स की बात कर रहे हैं आप या फिर नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं हम। सो दैट इज द केस ऑफ व्हाट इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो सर ये तो इनकम 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 हो गया, अब क्या होगा अगर मैं इसका क्या करूंगा, इसका प्राइस के केस में ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल है, नेसेसरी गुड्स में तो कुछ बनेगा ही नहीं क्योंकि भाई इनकम बढ़ जाएगी तो भी डिमांड सेम ही रहने वाली है, ना डिमांड उसकी आगे जाती ना पीछे आती। इंफीरियर गुड्स के केस में और नॉर्मल गुड्स के केस में एक बार देखते हैं कि इंफीरियर गुड्स और नॉर्मल, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि इंफीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स के केस में जो डिमांड है उसका क्या फर्क पड़ेगा इनकम के चेंज होने पर, ठीक है। अब हम प्राइस लेंगे अपना एक्सेस के ऊपर, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स ये आपकी क्वांटिटी हो गई, ये आपका प्राइस हो गया, यही पढ़ते आ रहे हैं ना, वही पढ़ेंगे अब हम। तो ये सर आपका प्राइस था ओपी, ये थी आपकी डिमांड और ये था आपका डिमांड कर्व, है ना। अब मैं कह रहा हूँ आपकी इनकम बढ़ गई, स्टूडेंट्स अगर इनकम बढ़ जाएगी किसके केस में, इनकम बढ़ गई, ठीक है, ध्यान से समझना। आपके पास क्या हुआ स्टूडेंट्स, आपके पास इनकम बढ़ गई, दो चीज़ें हैं ना हमारे पास, दो ही चीज़ें होंगी, या तो इनकम बढ़ेगी या तो मेरे पास इनकम जो है, एक मिनट रुको, या तो मेरी इनकम बढ़ेगी, ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर क्या होगा, या तो मेरी इनकम कम होगी, दो में से एक ही चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो सर इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है मतलब फिर फेवर में है, इनकम बढ़ रही है मतलब मेरे लिए अच्छा है। तो भाई जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो इन्फीरियर गुड ज्यादा खरीदूंगा कम, सोच के देखो, इनकम बढ़ रही है तो क्या टोन मिल्क और खरीदोगे, नहीं भाई, तुम टोन मिल्क को कम करोगे, तुम कहाँ शिफ्ट हो जाओगे, फुल क्रीम पे। इसका मतलब है इनकम बढ़ने पे इन्फीरियर गुड्स के डिमांड क्या करोगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, D-D' पे, तो जिससे कि क्वांटिटी कम होके कितनी आ गई, OQ 0, डिमांड क्या हो गई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसे हम लिखेंगे लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और हमने पढ़ा था लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या होता है सर, लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब होता है डिक्रीज इन डिमांड, ये तो समझ में आ गया, ठीक है, ओके। और सर दूसरा केस कौन सा है, दूसरा केस है अगर इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है। तो भाई अगर इनकम घट जाएगी, इनकम घटेगी तो यार इनकम घट जाएगी तो लो क्वालिटी खरीद पाऊंगा, टोन मिल्क और ज्यादा खरीदना पड़ेगा, फुल क्रीम के बिल्कुल पैसे नहीं बचेंगे, या इनफैक्ट उससे नीचे जाना पड़ेगा। तो मतलब अगर इनकम कम हो जाएगी तो कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा, तब कंज्यूमर को डिमांड बढ़ा देनी पड़ेगी किसकी, इन्फीरियर गुड्स की। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया D1। तो ये डिमांड कर्व क्या हो गया हमारा, राइटवर्ड शिफ्ट, राइट। और इसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इसे हम बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड। चलो जी, ये भी बात हमें क्या हो जाती है स्टूडेंट, समझ में आ जाती है। तो दूसरा ग्राफ भी बना के देखते हैं सर, नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होगा, नॉर्मल गुड्स के केस में तो अभी अभी पढ़ा ना कि ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, यहां पर आ गया सर प्राइस, और यहाँ पे वही हमारे पास जो भी क्वांटिटी है, ये इनिशियल प्राइस, ये इनिशियल क्वांटिटी, ये हमारा डिमांड कर्व। तो सर अब क्या हो रहा है, इनकम बढ़ रही है, भाई इनकम बढ़ेगी, अगर तुम्हारी इनकम बढ़ेगी, तुम्हारी इनकम बढ़ेगी तो तुम लग्जरी ज्यादा खरीदोगे कम, ऑफकोर्स ज्यादा खरीदोगे। तो अगर तुम ज्यादा खरीदोगे तो ये तुम्हारा डिमांड कर्व था ना पहले, अब तुम क्या करोगे, ज्यादा खरीदोगे, ज्यादा खरीदने का मतलब है सेम प्राइस पे तुम डिमांड को बढ़ा दोगे Q1 पे, और डिमांड कर्व हो जाएगा D1। स्टूडेंट्स इसे हम क्या कहेंगे, सेम इसे हम कहेंगे अपना राइटवर्ड शिफ्ट, और आपका क्या पता है, पता ही आपको क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। बट स्टूडेंट्स अगर मेरी इनकम कम हो जाती है, भाई इनकम कम हो जाती है तो यार कैसे खरीदूंगा लग्जरी, लग्जरी की डिमांड को कम करना पड़ेगा, तो लग्जरी की डिमांड क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, कम हो जाएगी, तो कहाँ जाएगी, D-D' पे, क्वांटिटी कम हो जाएगी, OQ
जीरो पे। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट, जिसे आप क्या बोलेंगे, जिसे आप बोलेंगे अपना डिक्रीज इन डिमांड। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप क्या करते हैं, इस तरीके से आप इनकम के कॉन्टेक्स्ट में अपने पूरे डिमांड को समझाते हैं। तो मैंने दोनों एस्पेक्ट बता दिया आपको, इकोनॉमिक एस्पेक्ट बता दिया, एक जनरल एस्पेक्ट में भाई तुमने क्या बोला, जनरल एस्पेक्ट में तुमने बोला प्राइस बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन इकोनॉमिक एस्पेक्ट में आपने बोला इनकम बढ़ेगी तो मैं देखूंगा नेसेसरी गुड है, इन्फीरियर गुड है या लग्जरी गुड है, मतलब नॉर्मल गुड है। तो स्टूडेंट ये हो गया इनकम, ठीक है। अब होपफुली आपने कॉपी कर लिया होगा। आगे बात करता हूँ स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे डिटरमिनेंट की, कि नेक्स्ट डिटरमिनेंट कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास नेक्स्ट डिटरमिनेंट आते हैं डिमांड के, वो कौन सा है देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिटरमिनेंट जो हमारे पास है डिमांड का, दैट इज टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है स्टूडेंट। ये तो सबसे, ये भी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। सो स्टूडेंट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का मतलब क्या है भाई, मैं जो भी डिमांड करूंगा, अब अगेन बाकी सारे फैक्टर कॉन्स्टेंट, बाकी सारे फैक्टर कॉन्स्टेंट, जैसे कि स्टूडेंट मुझे ऑडी बहुत पसंद है, अगर मुझे ऑडी बहुत पसंद है और मैं ऑडी लेने गया, इन केस बात कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला भाई बीएमडब्ल्यू सेम मतलब सेम फीचर्स के साथ सस्ते प्राइस में मिल रही है, मैं उसको अनसुना कर दूँ, क्यों, क्योंकि मुझे पसंद है ऑडी। तो स्टूडेंट टेस्ट एंड प्रेफरेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है आपके डिमांड को डिटरमिन करने में, क्योंकि कंज्यूमर सिर्फ वही डिमांड करेगा जो उसको क्या होगा, पसंद होगा। भाई जो उसको पसंद ही नहीं है वो उसके डिमांड करने भी नहीं वाला। अब उसकी पसंद सबसे पहले डिपेंड कर जाती है उसके एज ग्रुप में, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ स्टूडेंट, मैं ऑफ्टनली स्टूडेंट से कहता हूँ, होता क्या है जब आप छोटे होते हैं तो दाढ़ी वाले जो होते हैं आपको डराया जाता है कि भाई ये दाढ़ी वाला जो है इससे बच के रहना है, ठीक है, ये उठा के लेके जाता है, ठीक है। स्टूडेंट बड़े होके भी दाढ़ी वाले उठा रहे होते हैं, लेकिन वो किसी और तरीके से उठा रहे होते हैं, राइट। छोटे में तो उठा ही रहे होते हैं, बड़े होके वो किसी और तरीके से उठा रहे होते हैं। मतलब दाढ़ी होते छोटे में वो था बन गया बाबा, बड़े होके वो दाढ़ी वाला बंदा क्या बन गया, स्टड। तो एज, एज के हिसाब से क्या होता है स्टूडेंट, आपके प्रेफरेंसेस बहुत ज्यादा और टेस्ट आपके बदल जाते हैं, ठीक है। एज के बाद स्टूडेंट डिपेंड करता है जेंडर, जेंडर के अकॉर्डिंग क्या होता है, जेंडर के अकॉर्डिंग भी आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस डिसाइड होता है। जैसे क्या होता है, लड़कियों को अपने फोन के पीछे हाथी घोड़े लगाने का बहुत शौक है, एक तो तुम्हारा फोन इतना बड़ा उसके पीछे तुम हाथी घोड़े भी लगा लेते हो, ठीक है, अपनी अपनी पसंद है, हम जज नहीं कर रहे किसी को, बट मैं तो समझा रहा हूँ बस जेंडर। तो जेंडर के हिसाब से भी भाई क्या होता है, जेंडर के हिसाब से भी क्या होता है, आपकी प्रेफरेंसेस मैटर करती है। जैसे कि ज्यादातर देखा होगा आपने, अगर आप यूट्यूब भी चेक करते हो बार बार, तो मोस्टली जो गेम प्लेस वगैरह होते हैं वो बॉयज को, बॉयज खेलते हुए दिखाई देते हैं। इट्स नॉट काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप, लेकिन कुछ ऐसा ये स्टीरियोटाइप सा बन गया है कि गेम्स वगैरह है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, तो इन सब चीज़ों में किसका इंटरेस्ट है, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है लड़कों का, लड़कों का कंपैरेटिवली कम है। तो जेंडर, जेंडर के हिसाब से भी आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो है वो स्टूडेंट्स क्या होता है वो डिसाइड होता है। इसके अलावा जेंडर के अलावा क्या डिपेंड होता है स्टूडेंट्स, रिलीजन, रिलीजन के अलावा, रिलीजन पे भी आपका जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है वो डिटरमिन होगा। आप ब्राह्मण फैमिली से हैं, आजकल के नहीं जो प्योर ब्राह्मण है, तो अगर आप ब्राह्मण फैमिली से हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि आप नॉनवेज वगैरह ना खाएं, क्योंकि आप ब्राह्मण फैमिली से हो तो आप नहीं खा रहे हो। तो रिलीजन भी क्या करता है स्टूडेंट, रिलीजन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में। तो अगर किसी चीज को लेकर के आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बढ़ेगी तो आप उसके डिमांड को बढ़ा देते हैं, बट अगर किसी चीज को लेकर के आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कम हो जाएंगी तो आप उसके डिमांड को कम कर देते हैं। तो मतलब मेरा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस डिपेंड करता है मेरे किसके ऊपर, एज के ऊपर, मेरे जेंडर के ऊपर, मेरे रिलीजन के ऊपर, मेरे फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर। अगर मैं बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो मेरे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जनरली बहुत हाई रहेंगे रिगार्डिंग क्वालिटी, मैं क्वालिटी वाले गुड्स को ज़्यादा कंज्यूम करना पसंद करूंगा, जो रोड साइड गुड्स मिलते हैं मैं उनको कंज्यूम नहीं करूंगा क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड हाई है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी स्टूडेंट्स बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस चीज़ को डिटरमिन करने में, डिमांड किसी भी कमोडिटी की डिटरमिन करने में, ठीक है। क्योंकि इनकम भी ठीक है, प्राइस भी ठीक है, लेकिन फिर मैं बात करूंगा कि भाई मुझे पसंद क्या है, तो जो मुझे पसंद है वो फिर मुझे वो पसंद है, मैं बाकी चीज़ों की डिमांड करने की सोचूंगा ही नहीं, ठीक है। अब स्टूडेंट लास्ट डिटरमिनेंट्स की बात कर लेते हैं इंडिविजुअल डिमांड के, विच इज एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस। कंज्यूमर के डिमांड फ्यूचर प्राइस को लेकर के भी बहुत ज्यादा
डाइसी में रहती है। जैसे कि अगर मुझे आज ये पता चल जाता है कि अभी हाल फिलहाल में क्या होने वाला है, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो मैं करंट स्टेटस में अपनी डिमांड को बढ़ा देता हूँ स्टूडेंट, क्योंकि मुझे पता है कि भाई क्या होगा, कल रात से 12 बजे पेट्रोल बढ़ेगा, मैं कहूँ कल रात 12 बजे बढ़ेगा भाई, अभी भरवा के रख लेता हूँ, ठीक है। तो मतलब जब मुझे ये पता चल जाएगा कि फ्यूचर में इस चीज़ के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो करंट स्टेटस में मैं उसकी डिमांड को बढ़ा दूंगा। और अगर मुझे ये पता चल जाए कि इसके प्राइस फ्यूचर में कम हो सकते हैं, तो मैं करंट स्टेटस में उसके डिमांड को कम कर दूंगा। तो मतलब स्टूडेंट्स, जो हमारे फ्यूचर प्राइसेस हैं, वो भी हमारी डिमांड को डिटरमिन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे आपको पता है कि अनियन के प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएशन में होते हैं, जब वो बढ़ रहे होते हैं तो कंज्यूमर पहले इसको खरीद लेते हैं, उनको पता होता है कि आगे ये और बढ़ेगा, तो भाई आगे ये और बढ़ेगा, उससे पहले अभी सस्ते में खरीद के इसको रख लो। तो इससे स्टूडेंट्स, हमारे जो फ्यूचर प्राइसेस होते हैं कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है, तो वो भी क्या करेगा, वो भी हमारी डिमांड को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। ये पांच हमारे पास क्या हो गए, ये पांच हमारे पास हो गए डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस, ठीक है। ये पांच हमारे पास क्या हो गए, इंडिविजुअल डिमांड को डिटरमाइन करने के लिए जो फैक्टर्स है वो ये पांच है। नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, वी विल टॉक अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। ऑफकोर्स इंडिविजुअल डिमांड के जो फैक्टर्स हैं वो तो मार्केट में है, क्योंकि इंडिविजुअल ही मार्केट डिमांड बनाते हैं, ये समझाया था मैंने आपको। बट मार्केट के एज अ होल, मार्केट के कुछ अपने अलग भी क्या है, फैक्टर्स हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स बात करेंगे कि जो मार्केट है, मार्केट जो मार्केट डिमांड है, उसके जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो क्या है। थैंक्स।